हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनीषा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो सपनों के साथ और अपनों के साथ आइए मिल करके इस नए सफर की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं जल्द ही पे स्लिप और सैलरी पूरा डिस्कस करने वाली हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यहाँ पर मैं पूरी सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगी और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि फर्दर अपडेट्स आप तक टाइमली पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, DFCCIL की तरफ से बहुत ही बेहतरीन नोटिफिकेशन आई है और बहुत सारी पोस्टें हैं, 1074 पोस्ट रिलीज की गई है। तो अगर आपने वो हमारा वीडियो नहीं देखा है जहाँ पर मैं ऑल अबाउट DFCCIL रिक्रूटमेंट बात की हूँ, वहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया है कि कितनी कितनी पोस्टें हैं, कौन कौन से पोस्ट आई हैं और पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मैं डिस्कस की हूँ कि कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है। तो अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और वहां से देख सकते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो फ्रेंड्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, आज यहाँ पर मैं सैलरी स्लिप डिस्कस करने वाली हूँ। हमारे एक फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं DFCCIL में एट द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव OPBD, जिसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट। उनका मैं सैलरी स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाली हूँ, उनसे हम रिक्वेस्ट किए हैं और वो अपना सैलरी पूरा स्लिप हमसे शेयर किए हैं, तो उनको मैं बहुत ही थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। और यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगी, देखिए मई का 2020 मंथ का सैलरी पूरा स्ट्रक्चर डिस्कस करूंगी और जल्द ही हम इंटरव्यू सेशन कंडक्ट कराने वाले हैं हमारे फ्रेंड्स के साथ। तो वो अपनी पूरी स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं DFCCIL में, तो बहुत ही अच्छे तरीके से वो अब बता पाएंगे कि उन्होंने कैसी पूरी तैयारी की इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में। तो हमसे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फर्दर अपडेट्स आप तक टाइमली पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए एक बहुत ही अच्छी नोटिफिकेशन आई है। जैसे कि आप सब जानते हैं, DFCCIL एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, PSU है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, उसी का मैं सैलरी स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाली हूँ। तो यहाँ पर हम एक एक करके देखिए बात कर लेंगे। आइए यहाँ पर देखिए मई मंथ का मैं डिस्कस करूंगी 2020 का। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है आप लोगों का पर्सनल डिटेल्स। तो जो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नंबर लिखा हुआ है, फर्स्ट में आप लोगों का नाम लिखा रहेगा जहाँ पर पर्सनल डिटेल्स है। और अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट नंबर क्रिएट किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट नंबर मिलता है। और सेकंड देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, लोकेशन। तो लोकेशन जिस भी कंपनी में जहाँ पर भी आप लोगों की पोस्टिंग होगी वहाँ पर आप लोगों को लोकेशन दिया जाएगा। अगर स्टेशन ये है तो स्टेशन का नाम यहाँ पर लिखा रहेगा। उसके बाद डिपार्टमेंट लिखा है, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट हमारे फ्रेंड्स हैं OPBD में, ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट में। और यहाँ डेजिग्नेशन लिखा हुआ है, तो ये यहाँ जो एट प्रेजेंट ये काम कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव OPBD में है। तो अगर आप एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल से हैं तो आप यहाँ पर लिखा रहेगा आपका डेजिग्नेशन एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल। अगर सिविल से हैं तो सिविल लिखा रहेगा, और अगर मैकेनिकल से बिलोंग करते हैं तो एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल लिखा रहेगा। तो फ्रेंड्स, मेरा SSC JEE 2018 में सिलेक्शन हुआ है CPWD में ऑलरेडी, और मेरा ऑल इंडिया रैंक 15 था। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी हमारा फ्री वीडियो लेक्चर अपलोड होने वाला है। अगर आप DFCCIL इलेक्ट्रिकल से बिलोंग कर की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम देखते हैं ग्रेड। यहाँ पर E0 से आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी अगर आप एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे ज्वाइन करेंगे, तो E0 से आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी। फिर आता है PF अकाउंट नंबर, तो यहाँ पर आप लोगों का अकाउंट नंबर क्रिएट किया जाएगा। और उसके बाद आता है देखिए बैंक नेम, तो ये एम्प्लॉयमेंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। बैंक नेम, IFSC कोड है, बैंक अकाउंट नंबर है जहाँ पर आप लोगों की सैलरी क्रेडिट की जाएगी और जल्दी आप लोगों की सैलरी भी क्रेडिट की जाएगी अगर आप एग्जाम को क्वालिफाई करके फाइनली ज्वाइन करते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट, आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए, बहुत ही कम टाइम है क्योंकि देखिए टेंटेटिव डेट जून है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों की प्रिपरेशन लेवल होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पैन नंबर है, UAN नंबर है, ये सब पर्सनल डिटेल्स हैं। अब आते हैं यहाँ पर एम्प्लॉय का ग्रुप। तो यहाँ पर आप लोगों को बताया जाएगा कि आप डेप्यूटेशन बेसिस पे हैं या फिर रीएम्प्लॉयमेंट में हैं या फिर परमानेंट है। तो ये एम्प्लॉय परमानेंट है इसलिए यहाँ पर परमानेंट लिखा हुआ है, और बाकी ये इंक्रीमेंट के बारे में लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट इंक्रीमेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं, 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद आप लोग को इंक्रीमेंट की जाती है, तो इनका इंक्रीमेंट होने वाला रहा होगा 1/11/2020 को।
तो फ्रेंड्स अब मेन पॉइंट में आते हैं। देखिए यहाँ पर मास्टर बेसिक लिखा है, यानी कि बेसिक पे है यहाँ पर 30,000 लिखा हुआ है। और अगर आप एग्जीक्यूटिव पोस्ट से ज्वाइन करते हैं, और बहुत ही अच्छी अच्छी पोस्ट निकली हुई है इस बार, तो 30,000 आप लोगों का बेसिक रहेगा। और ये इसमें अदर बहुत सारे अलाउंसेस इंक्लूड होते हैं, जैसे कि यहाँ पर नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं डीए रेट। तो एट प्रेजेंट डीए यहाँ पर लिखा हुआ है 18.70, और ये हर 3 मंथ में रिवाइज होता है, क्योंकि कोरोना चल रहा है, COVID-19 की सिचुएशन की वजह से अभी रिवाइज नहीं किया गया है। तो यहाँ पर अब देखिए आगे आप आएंगे तो पूरे पे डिटेल्स के बारे में आप एक एक करके देखिए यहाँ पर अच्छे से लिखा हुआ है। तो बेसिक पे है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 30,000 आप लोगों को बेसिक है। उसके बाद डीए है, जिसे हम बोलते हैं डियरनेस अलाउंसेस, लिखा हुआ है देखिए, ये आपका 18.70 है। तो उसका आप जब कैलकुलेट करेंगे बेसिक का 30,000 रुपीज़ का, तो यहाँ पर आप लोगों को देख पा रहे हैं 5,610 रुपीज़ आपका डीए बनता है। उसके बाद जब आप देखेंगे तो फ्रेंड्स देखिए, इसके बाद जो फिटनेस अलाउंस लिखा हो गया है, यहाँ से लेकर के स्पेशल पर्सनल अलाउंस तक आप लोगों को मिलता है 35%, जिसे हम बोलते हैं बास्केट अलाउंसेस। तो यहाँ पर क्या क्या इंक्लूड है देख लीजिए, फिटनेस अलाउंस, हाउसकीपिंग अलाउंस, प्रोफेशनल यू एजुकेशन, रिक्रिएशन अलाउंसेस, स्पेशल पर्सनल अलाउंसेस। तो और भी बहुत सारे अलाउंस होते हैं, आप लोगों को 35% ही दिया जाता है आपके बेसिक का। तो टोटल यहाँ पर देख लीजिए 1800 हो गया, 1200, 4500, 1800 एंड 1200, ये आप लोगों का बास्केट अलाउंसेज हैं। और इसके बाद आता है देखिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यहाँ पर 3300 रुपीज़ मिला है। तो ये पूरा आप लोगों को देखिए अलाउंसेज हो गया, और यहाँ पर आप लोगों की टोटल अर्निंग कितनी होती है देख लीजिए, 49,410। तो बहुत ही अच्छा सैलरी आप लोगों के अकाउंट में आएगा अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करके ज्वाइन करते हैं कंपनी को। तो एक ये हैंडसम सैलरी है। लेकिन इसके बाद देखिए हम डिडक्शन के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो पहला डिडक्शन है देखिए ईपीएफ कंट्रीब्यूशन है, जो यहाँ पर 4,273 रुपीज़ है। और ये जब आप रिटायर होंगे तो उस समय आप लोगों को जितना भी पैसा इकट्ठा होगा वो आप लोगों के अकाउंट में दे दिया जाएगा, और इतना ही अमाउंट कंपनी भी देती है। तो कंपनी की तरफ से भी जैसे DFCCIL आप लोगों को हर महीने 4,273 EF कंट्रीब्यूशन के नाम पे देगी। और नेक्स्ट जो डिडक्शन है वो इनकम टैक्स है। तो यहाँ पर देख लीजिए 1,326 रुपीज़ इनकम टैक्स के नाम का डिडक्ट हुआ है। स्टाफ वेलफेयर कंट्रीब्यूशन नेक्स्ट 100 रुपीज़ है। तो यहाँ पर टोटल डिडक्शन जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में 5,699 रुपीज़ टोटल डिडक्शन है। तो ये पहले जो थी आपकी टोटल अर्निंग, उसे हम बोलते हैं ग्रॉस सैलरी, 49,410 रुपीज़। और नेट पे यहाँ पर आप लोग को है देख सकते हैं 43,711 रुपीज़। तो बहुत ही अच्छी सैलरी है। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ कुछ अलाउंसेस अभी भी बचा है, जैसे कि हम फर्स्ट देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो HRA है। यहाँ पर HRA इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि हमारी जो फ्रेंड है उन्होंने क्वार्टर लिया हुआ था DFCCIL की तरफ से। तो अगर आपको क्वार्टर मिलता है या फिर आप क्वार्टर लेते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को HRA नहीं दिया जाता है, और अगर आप क्वार्टर में नहीं रहते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को HRA गिवन दिया जाता है। तो मैं डिस्कस कर लेती हूँ HRA के बारे में भी देख लीजिए। HRA होता है देखिए 3 सिटीज़ में मेनली डिवाइड किया जाता है। तो अगर आप एक्स सिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मेट्रो सिटीज़ होती है जनरली दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, वहाँ पर जो HRA आप लोगों को मिलता है वो होता है 24% बेसिक का, 24% बेसिक का होता है एक्स सिटी के लिए। फिर आते हैं हम वाई सिटी के लिए, तो वाई सिटी में बहुत सारे लिस्ट में आते हैं नाम सिटीज़, तो वहाँ पर होता है 16% बेसिक का। और लास्ट होता है जेड सिटी, तो जो थोड़े अंडर डेवलप्ड सिटी है वहाँ पर आप लोगों को 8% दिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं जेड सिटी। तो ये 8 के मल्टीपल में होता है, एक्स सिटी के लिए 24%, वाई सिटी के लिए 16% और जेड सिटी के लिए 8% होता है ये हमारा HRA। तो अगर यहाँ पर HRA इंक्लूड होता तो फिर यहाँ पर और अमाउंट बढ़ जाता, लेकिन सर ने ऑलरेडी यहाँ पर HRA इंक्लूड नहीं है देख लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी क्वार्टर में रहते हैं। यहाँ पर अब आप लोगों से मैं डिस्कस करूंगी थोड़ा सा, यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन में लीव डिटेल्स। तो और अलाउंसेस के बारे में पहले थोड़ा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर यूनिफॉर्म,
तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं आप लोगों को। यूनिफॉर्म अलाउंस है, तो यहाँ पर जैसे कि यूनिफॉर्म अलाउंस दिया जाता है 15,000 रुपीज़ का पर ईयर के दिया जाता है। और जैसे कि डिफेंस में आप लोगों को दिया जाता है, पुलिस सर्विस के दौरान दिया जाता है, यहाँ पर रेलवे में भी यूनिफॉर्म होता है, इसीलिए आप लोगों को 15,000 रुपीज़ दिया जाता है यूनिफॉर्म का। और आप एक बढ़िया सा यूनिफॉर्म आप अपने लिए सिलवा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम आते हैं अदर अलाउंसेस में। तो देखिए लैपटॉप अलाउंसेस भी आप लोगों को दिए जाते हैं, तो ये 3 साल में एक बार दिए जाते हैं, आप लोगों को 35,000 रुपये मिलते हैं। और इसमें अगर GST इंक्लूड करेंगे तो ये ऑन एन अप्रॉक्स 43,000 रुपीज़ होगा, 3 साल के लिए दिया जाता है और फिर रिन्यू हो जाता है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स मोबाइल अलाउंसेस, तो आप लोगों को 8,000 रुपये दिए जाते हैं, 8,000 रुपीज़ पर ईयर के लिए, तो आप एक बढ़िया सा सेलफोन खरीद सकते हैं अपने लिए। नेक्स्ट हम आते हैं, देख लीजिए, नेक्स्ट हमारा आता है फर्निशिंग अलाउंस। तो फर्निशिंग अलाउंस में आप लोगों को क्या है, जितने भी हाउस होल्ड आइटम आप खरीदना चाहते हैं, बड़े बड़े जैसे कि जो ज़रूरत के सामान हैं आप लोगों के लिए, जैसे बेड हो गया, टीवी हो गया, सोफ़ा हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, उसके लिए भी आप लोगों को ये अलाउंसेस दिए जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं फर्निशिंग अलाउंस। और ये दिए जाते हैं आप लोगों को 75,000 रुपीज़, और अगर आप GST इंक्लूड करेंगे उसमें तो आपके टोटल अमाउंट बनेंगे 93,000 रुपीज़ ऑन एन अप्रॉक्स आप लोगों को मिलता है। और ये देखिए हर साल नहीं मिलता है, ये मिलता है आपको टोटल 2 बार मिलता है आपकी पूरी जॉब जर्नी में, यानी कि 2 बार आप लोगों को मिलेगा पूरे आपके जॉब ड्यूरेशन में। ठीक है, ऑन एन अप्रॉक्स 90,000 रुपीज़ आप लोगों को दिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है देखिए मेडिकल अलाउंसेस, तो यहाँ पर आप लोगों को मेडिकल फैसिलिटी भी बहुत अच्छी दी जाती है। जो DFCCIL से जिनका टाई अप है हॉस्पिटल का, वहाँ पर आप लोगों को कैशलेस पेमेंट हो जाता है। अगर आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो वहाँ पर आप कैशलेस बेनिफिट उठा सकते हैं, और अगर आप दूसरे हॉस्पिटल से कराना चाहते हैं तो वहाँ आप बिल कलेक्ट करके अपना ऑर्गेनाइजेशन में सबमिट कर सकते हैं, और वहाँ पर आप लोगों को रीएम्बर्स कर दिया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी मेडिकल फैसिलिटी भी होती है। नेक्स्ट आता है देखिए, बहुत सारे अदर अलाउंसेस इंक्लूड होते हैं, जैसे कि नेशनल हॉलीडे। अगर आप किसी नेशनल हॉलीडे में काम करते हैं, उस दिन में काम करते हैं, तो आप लोगों को दिया जाता है, और इसका अमाउंट होता है 630 रुपीज़ आप लोगों को क्रेडिट किया जाता है। और भी अदर अलाउंसेस की मैं बात कर लेती हूँ, तो नाइट ड्यूटी अलाउंसेस आप लोगों को दिया जाता है, अगर आपकी शिफ्ट वाइज ड्यूटी है और अगर आप नाइट ड्यूटी करते हैं तो वहाँ पर भी आप लोगों को अलाउंसेस दिया जाता है। फ्रेंड्स और भी अलाउंसेस हैं, अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, वहाँ पर हम फिर इस पर वीडियो लेके आएंगे आप लोगों को और इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और देखिए इसके बाद, ये देखिए आप इनके सैलरी स्लिप में लीव डिटेल्स भी लिखा हुआ है, तो जैसे कि यहाँ पर एवरेज पे लीव ऑन एवरेज पे है, तो ये सब जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर लीव ऑन हाफ एवरेज पे है, वो सब लिखा हुआ है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ लास्ट में दिया हुआ है कि डिडक्शन कितने हुए हैं और टैक्स कंप्यूटेशन कितना है, तो आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि क्या क्या यहाँ पर कितना ग्रॉस इनकम है, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर आप इसका डिटेल्स चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी मैं सेंड कर देती हूँ, अपडेट्स देती रहती हूँ। तो देखिए ये मैंने पूरा पे स्लिप डिस्कस किया है मंथ ऑफ मे का, और ये एग्जीक्यूटिव ओपीबीडी का था। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए चैनल शेयर कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि फर्दर अपडेट्स आप तक टाइमली पहुंच सके। और फ्रेंड्स जल्दी हम इंटरव्यू सेशन कंडक्ट कराएंगे, ऑलरेडी प्रेजेंट है DFCCIL में, एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे हैं, ऑपरेशन एंड BD पे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स फिर से लाइक कर दीजिए, और थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।